हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। इन दिस सेशन आई विल डिस्कस अबाउट द कॉमन कॉमर्शियल रेजिस्टेंस। कॉमन कॉमर्शियल का मतलब, कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, जो हम अपनी डेली लाइफ में रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे कि वो कितने टाइप के होते हैं और उनकी जो कलर कोडिंग होती है, कार्बन रजिस्टर जो होता है उसकी कलर कोडिंग होती है, उसके बेसिस के ऊपर हम उसका कलर कोडिंग क्यों करते हैं, ठीक है, क्या यूज़ है उस कलर कोडिंग का, वो चीज़ आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, कि रेजिस्टेंस का काम क्या है। जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या करते हैं, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या काम करता है, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। रेजिस्टेंस प्ले ए सेम रोल लाइक ए ब्रेकर ऑन हाईवे। एक हाईवे के ऊपर जैसे ब्रेकर होता है, उसी प्रकार से रेजिस्टेंस भी एक सर्किट के अंदर ऐसे ही काम करता है, एक प्रकार के ब्रेकर का काम करता है कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसको स्लो कर देता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास इससे रिलेटेड होता है। कॉमर्शियल यूज़ का मतलब क्या है, हम इसको किस में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम टीवी में यूज़ करते हैं, रेडियो के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर हमारे घर के अंदर होते हैं कंप्यूटर, ठीक है, आज के दिन तो लैपटॉप हमारे पास है, लैपटॉप, मोबाइल, LED, ठीक है, और बहुत सारे अप्लायंस हमारे पास होते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर, इन सभी के अंदर जो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है वो कौन से रेजिस्टेंस होते हैं, कॉमर्शियल रेजिस्टेंस होते हैं। और कॉमर्शियल में दोनों ही टाइप के हमारे पास आते हैं, एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस आता है और दूसरा कार्बन रेजिस्टेंस आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस की, जिसको हमने नाम दिया है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, एक वायर है जिसको बाउंड करते हैं, ठीक है, नाम से जैसे पता चलता है कि वायर होते हैं और वायर को बाउंड कर देते हैं किसी भी इंसुलेटर के ऊपर। तो इसमें जो वायर हम नॉर्मली यूज करते हैं, दे आर ऑफ अलॉय। जो वायर होते हैं वो किस मटेरियल की बनी हुई होगी, अलॉय की। अलॉय एक प्रकार का मिक्सचर होता है हमारे पास। तो इसमें हम मैग्नीन यूज करते, कॉन्स्टेंटन की यूज करते, कॉन्स्टेंटन वायर और निकोर्म। ये तीनों के तीनों जो मटेरियल्स होते हैं मोस्टली हमारे फिजिक्स लैब के अंदर अवेलेबल होते हैं, हम मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं और इनको फॉर्मेशन कर सकते हैं जिससे हम। तो क्या होता है इसके ऊपर कि एक इंसुलेटर बॉडी हमारे पास है, इंसुलेटिंग बॉडी, और इस इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर इस प्रकार से वायर को वाउंड कर दिया जाता है, ऐसे गोल गोल घुमा दिया जाता है इसके ऊपर से, और इस प्रकार का जो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होता है उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। एडवांटेज क्या है इस चीज की कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, तो पहले जो इसकी एडवांटेज हमारे पास है, एडवांटेज भी है इसकी और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये बना तभी हमने इसकी जरूरत पड़ी, अदरवाइज तो हम दो प्रकार के रेजिस्टेंस का यूज क्यों कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि इट इज द किस चीज के बने हुए, ये अलॉय के बने हुए। एडवांटेज के अंदर जो यूजिंग मटेरियल हमारे पास है वो क्या है, अलॉय, ठीक है। तो दे आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव ऑफ टेम्परेचर। इनसेंसिटिव ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होगा हमारे पास, कि ये जो फॉर्मेशन हमारे पास इसके अंदर होती है, अगर किसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, नॉर्मली इंक्रीज होगा तो वो इनसेंसिटिव होगा, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो चेंज होगी, ठीक है, इनसेंसिटिव। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो करंट की वैल्यू भी हमारे पास है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाती है। तो इनसेंसिटिव हमारे पास यहाँ पे वर्ड आता है। डिसएडवांटेज क्या होगी हमारे पास, इसको हम जैसे डिसएडवांटेज का नाम दे सकते हैं,
तो डिसएडवांटेज क्या होती है इसके अंदर कि अगर हमें मान लो कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उसके केस में क्या होता है, हमने क्या सीखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, मीन लार्ज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लार्ज लेंथ, ठीक है, तो इसको हैंडल कर पाना मुश्किल है, ठीक है। अगर हमें चाहिए कि हमें 10^6 ओम का एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो नॉर्मली सोचो कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा उसकी कितनी लंबी वायर होगी, तो उसको हम छोटे से सर्किट के अंदर किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की डिसएडवांटेज आती है इसके अंदर कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है उसको हम नॉर्मली यूज नहीं करते, ठीक है। तो सिर्फ हम सिर्फ किसको यूज करते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस को, तभी फॉर्मेशन हमारे पास किसकी होगी, कार्बन रेजिस्टेंस की। सेकंड हम बात करते हैं कि हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले कार्बन रेजिस्टेंस दिखाता हूं कि कार्बन रेजिस्टेंस का काम क्या है। कार्बन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कार्बन रेजिस्टेंस है, आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का मिक्सचर है, कार्बन ब्लैक क्ले और रेजिन इसके अंदर मिक्सअप होता है, और इसके ऊपर सेरेमिक या फिर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन हो सके, और इसको एक सिलेंड्रिकल शेप दी गई है, सिलेंड्रिकल शेप, और इसको एक वायर के ऊपर इस प्रकार से लेप ऐसी फॉर्मेशन की जाती है सिलेंड्रिकल शेप के अंदर। अब आप इसके अंदर और भी देख रहे होंगे कि इसके जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्कल से नज़र आ रहे, कलर बैंड नज़र आ रहे, और यही कलर बैंड के बारे में आज हमें पता करना है कि जो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस होता है वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी रेजिस्टेंस की, कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस बना, ग्रीन रंग का पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं उसके अंदर, और कैसी शेप है इसकी, सिलेंड्रिकल शेप है, और इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर से एक वायर को ऐसे पास आउट किया जाएगा, ठीक है, ये तो ये कौन सा रेजिस्टेंस है हमारे पास है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस, और ये भी एक प्रकार का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ किसका हमारे पास होगा, कार्बन ब्लैक प्लस क्ले और प्लस रेजिन, ठीक है। तो ये मिक्सचर होता है, इसकी फॉर्मेशन की जाती है हमारे पास मेड अप ऑफ कार्बन ब्लैक क्ले एंड द रेजिन, ठीक है। तो इसको हमने किसके ऊपर वाउंड कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं ऑन द सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, ठीक है, कैसी शेप बना देते हैं यहाँ पे, सिलेंड्रिकल शेप फॉर्मेशन करते हैं ओने वायर के ऊपर, किसी भी वायर के ऊपर, वायर का यूज किस लिए करते हैं, उसकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो कार्बन रेजिस्टेंस का मेन रोल किसका है, इन्हीं मिक्सर का होता है कि जो उसकी फॉर्मेशन करता है, और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो हमारे पास ये जो रोड होगी हमारे पास, इसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं, किसके ऊपर, इसकी सेरेमिक की कोटिंग होती है, या फिर एक प्लास्टिक जैकेट हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेरेमिक और प्लास्टिक जो फॉर्मेशन होती है हमारे पास, प्लास्टिक जैकेट जिसके ऊपर कार्बन की कलर कोडिंग की जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर स्ट्रिप्स यहाँ पे बने हुए होते हैं, तीन एक साइड में होते हैं और एक थोड़ा सा गैप के बाद हमें यहाँ पे नजर आते हैं। आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को जो कलर कोडिंग का पार्ट दिखाया है, तो तीन चार स्ट्रिप्स इसके ऊपर बनी हुई, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 4 स्ट्रिप्स इसके ऊपर बनी हुई, 3 एक साइड में हैं और एक एक साइड में होती है, ठीक है, जो इंडिकेशन आप लोगों को यहाँ पे नजर आती है। तो कितनी कोडिंग बनी इसके ऊपर, कितनी लेयर्स बनी, कितने कलर बैंड बने, 4 प्रकार के कलर बैंड हैं, और ये कलर बैंड जो होते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस के कलर कोड क्या देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें इंडिकेट करते हैं।
ओके तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस हुआ उसकी एडवांटेज क्या क्या है, क्योंकि एडवांटेज के बिना तो हम किसी चीज को यूज करते भी नहीं है, तो एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी एडवांटेज दे सकते हो कि इसका जो साइज है वो कितना साइज है, वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है, सबसे पहले हम रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर इज फ्यू ओम्स टू मिलियंस ओम। ठीक है, जो कार्बन रेजिस्टेंस की रेंज होती है वो फ्यू ओम से मिलियन ओम्स के अंदर होती है, मतलब 0.1 ओम या 0.01 ओम से लेकर 10^8 10 मिलियन ओम्स तक होती है, जो आज हम इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एडवांटेज ये हमारे पास है। दूसरी एडवांटेज हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसकी जो प्राइस जो होता है, ठीक है, इसका जो प्राइस होगा हमारे पास, वो प्राइस क्या होगा हमारे पास, बहुत ही सस्ता होता है, दे आर क्वाइट चीप एंड कॉम्पैक्ट। ठीक है, बहुत ही सस्ते होते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इसको होल्ड करना भी बिल्कुल आसान है, किसी भी सर्किट में यूज करना वो भी बिल्कुल ही आसान चीज होती है हमारे पास यहाँ पे। और थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे दे सकते हैं, हमारे पास इसकी जो पर्पज होता है इसको हम मैनी पर्पज में यूज कर सकते हैं, दे आर यूजेस इन मैनी पर्पजेस। ठीक है, तो बहुत सारे पर्पज में इसको हम यूज कर सकते हैं। इट्स टेक्स स्मॉल स्पेस इन सर्किट, और सर्किट के अंदर जो ये स्पेस लेते हैं वो स्पेस भी क्या होता है हमारे पास, स्मॉल स्पेस होता है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके कलर कोड की, कलर कोड हमें क्या इंडिकेट करता है। ये एडवांटेज है जिसकी वजह से हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, कलर कोडिंग, कार्बन रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग जो हमारे पास है वो क्या इंडिकेट करती है, कार्बन कलर कोडिंग का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जो इसकी वैल्यू है वो इसको इंडिकेट करती है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका पर्पज हमारे पास क्या होता है, क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट द इट इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, कार्बन रेजिस्टर्स की ये वैल्यू को इंडिकेट करता है। ठीक है, और बाकी इसकी जो परसेंटेज होते हैं हमारे पास, एक्यूरेसी से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो पार्ट हमारे पास होता है, तो कलर कोड को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और उस टेबल से पहले मैं एक यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन होती है, आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा हम किस प्रकार से टेबल यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कलर कोडिंग की टेबल है हमारे पास है, और उससे पहले यहाँ पे क्या है, मैंने एक सेंटेंस लिखा है। ये सेंटेंस क्या है, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। आपको ये अगर ये सेंटेंस याद हो जाता है तो आप इस टेबल को इजीली परफॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, याद रख सकते हो, पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जो लेटर मैंने कैपिटल लिखा है उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये कैपिटल लेटर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ग्रेट में जी कैपिटल है बाकी स्मॉल है, ब्रिटेन में बी कैपिटल है बाकी स्मॉल है, वेरी में वी कैपिटल है, गुड में जी कैपिटल, वाइफ में डब्ल्यू कैपिटल, फिर यहाँ पे गोल्ड सिल्वर और नेकलेस। ठीक है, तो जो रेड
का इंडिकेशन दिया गया, इंडिकेशन वो किसको इंडिकेट कर रहा है, कलर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये कलर बैंड जो होता है हमारे पास, ये कार्बन रेजिस्टेंस जो है इसमें जो कलर बैंडिंग है, ठीक है। अब जैसे ये कार्बन रेजिस्टेंस, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन है, फिर रेड कलर है, फिर ब्लैक है, और मैंने यहाँ पे एक बैंड शो कर दिया। वैसे तो ये ग्रीन पार्ट से शो किया है, मान लिया कि ये गोल्ड के लिए है, गोल्ड का इंडिकेशन है। तो इस प्रकार से हम इस वैल्यू से ये सारी चीजें बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अंदर जो स्ट्रिप्स देख रहे हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितने टोटल स्ट्रिप्स बनी हुई है, चार स्ट्रिप्स बनी हुई है। तो फर्स्ट स्ट्रिप इंडिकेट द जो आपका नंबर है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर को इंडिकेट करती है फर्स्ट स्ट्रिप्स। सेकेंड स्ट्रिप से अगेन फिर किसको इंडिकेट करेगी, सेकेंड सिग्निफिकेंट नंबर को इंडिकेट करती है। थर्ड जो है वो मल्टीप्लायर को इंडिकेट करेगी, पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करेगी, प्लस माइनस मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई करके हम उसको वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ स्ट्रिप जो होगी हमारे पास, इट मे बी गोल्ड, इट मे बी सिल्वर, अगर कोई बैंड नहीं है यहाँ पे तो मतलब क्या है, नो कलर है। तो ये इनकी जो वैल्यू होती है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, टॉलरेंस से। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि जो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है इसमें अगर हम लिखते हैं 5% तो 5% ज्यादा या कम हो सकता है। अगर हम सिल्वर लिखते हैं तो 10% कम या ज्यादा हो सकता है। नो कलर मतलब उसकी वैल्यू में 20% तक की वेरिएशन हो सकती है, कि वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है उस फॉर्मेशन के अंदर। तो ये एक कलर कोडिंग इंडिकेट करते हैं। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो बीबी रॉय ब्लैक ब्राउन रेड, बीबी रॉय, रॉय का मतलब रेड ऑरेंज और येलो, ठीक है, ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे एंड व्हाइट। तो यहाँ पे जो आप कलर कोड देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हैं, 10 हैं। लेकिन हमने इस 10 नंबर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, 0 से लेकर 9 तक। जो ब्लैक है उसका नंबर कितना है, 0, ब्राउन का नंबर कितना है, 1, रेड का नंबर 2, ऑरेंज 3, येलो ठीक है 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8 और व्हाइट का नंबर कितना है, 9। मल्टीप्लायर जो है वो 10 की पावर 0 से रिप्रेजेंट किया, पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट कर रखा हमने। 10 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए कितना हमारे पास, 20% है। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे तीन कलर कोडिंग दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये हमारे पास मैंने यहाँ पे लिख दिया गोल्ड। तो इसकी वैल्यू को मैं किस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा, तो फर्स्ट जो स्ट्रिप है रिप्रेजेंट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो ब्लू कलर है। ब्लू कलर का जो हमारे पास नंबर है आप लोग देख पा रहे हो कितना नंबर है, 6। तो मैंने कितना लिखा, 6, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। सेकंड स्ट्रिप रेड कलर को इंडिकेट करती है, रेड का पार्ट कितना हमारे पास है, 2, कितना बना, 2। ओके, थर्ड स्ट्रिप क्या है, ब्लैक, ब्लैक 10 रेशो पार कितने हैं, 0, तो इंटू में 10 की पार कितना बना, 0। प्लस में कितना हमारे पास है, गोल्ड, गोल्ड के लिए कितना परसेंट है, 5%, तो कितना लिखेंगे, प्लस माइनस 5%। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितने आएगी, 62 प्लस माइनस 5%, ठीक है। और यूनिट क्या होगी इसकी, ओम। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं 6.2 10 रेशो पार 1 प्लस माइनस 5%। इस प्रकार से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू होते हैं हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हम कलर कोडिंग बता सकते हैं, अगर कलर कोड गिवन है तो हम वैल्यू बता सकते हैं। दोनों ही चीजों से हम यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको सेंटेंस क्या याद रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, कलर कोड मैंने दिया रेड, सेकंड स्ट्रिप रेड, थर्ड स्ट्रिप भी रेड, और लास्ट वाली स्ट्रिप्स क्या है, सिल्वर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो रेड की फर्स्ट स्ट्रिप है तो कितना बना, 2, सेकंड भी रेड है तो कितना बनेगा, 2,
थर्ड मल्टीप्लायर कितना है रेड, वो भी कितना है 10^2। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट शिफ्ट के लिए रेड की वैल्यू 2, सेकंड के लिए भी 2, 10^2। सिल्वर कितना है 10%, तो कितना आंसर होगा हमारे पास, कैसे लिखेंगे इसको, 2 × 10^2 ±10%। ठीक है, अगर इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो 2.2 × 10^3 ±10%। यूनिट लगाना ना भूले, क्या हो गए हमारे पास, ओम्स। ओके, इस प्रकार से आप किसकी कलर कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, और स्ट्रिप्स बनाते हैं, याद रखोगे हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड। ठीक है, तो आप यहां पे देखो येलो के लिए कितना नंबर है, फर्स्ट स्ट्रिप्स येलो है तो येलो का नंबर कितना है 4, लिखो 4। वायलेट सेकंड स्ट्रिप्स कौन सी है, वायलेट की, वायलेट के लिए कितना है 7। ब्राउन, ब्राउन के लिए कितना है 10^1 और गोल्ड के लिए कितना है 5%। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 47 × 10^1 ±5%। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 4.7 × 10^2 ±5%। ठीक है, आंसर किस में होगा हमारे पास, ओम के अंदर। तो अगर हमारे पास कलर गिवन है तो हम उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस गिवन है तो कलर भी बता सकते हैं। कैसे, देखना अभी बताते हैं कि हम किस प्रकार से इसके कलर को बता सकते हैं, है ना। कोई भी मैं वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, आप उसको ध्यान से देखें। मैंने लिखा 5.7 × 10^2 ±20%, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 5.2 है इसका डेसिमल रिमूव करना है। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 57 × 10^1 ±20%। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 हो गया, डेसिमल रिमूव हो गया। 5 नंबर किसके लिए यूज करते हैं, ग्रीन के लिए। तो आपका पहला स्ट्रिप्स कैसे कलर की बनी, ग्रीन। 7 नंबर किसके लिए है, वॉयलेट के लिए। तो सेकंड स्ट्रिप्स किसकी होगी हमारे पास, वॉयलेट की। 10^1 किसके लिए है, ब्राउन के लिए। तो थर्ड स्ट्रिप्स किस कलर की होगी, ब्राउन की होगी। 20% किसके लिए, नो कलर। ऐसे हमें यूज करना है, ऐसे हमें कलर कोडिंग करनी है। अगर आपके पास कलर गिवन है तो आप रेजिस्टेंस बता सकते हो, रेजिस्टेंस है तो आप उसको कलर बैंड बता सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए, अब जो मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, मैं इसकी वैल्यू को आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू, ओके, इसकी वैल्यू को मैं बताता हूँ कि वैल्यू क्या है इस चीज़ की, जो कलर बैंड हमारे पास है उस कलर बैंड के विद रिस्पेक्ट टू ही मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ। ठीक है, तो वैसे कैसी सरफेस है इसकी, जो सिलेंड्रिकल सरफेस हमारे पास है वो ग्रीन सरफेस है। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट हमने यहाँ पे बना दिया, ये ग्रीन पार्ट हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और एक बीच में से एक लाइन जो वायर को इंडिकेट करती है। पहला बैंड जो है इसके अंदर वो हमारे पास है ब्राउन। ठीक है, फिर दूसरा जो बैंड है वो है ब्लैक, थर्ड जो है वो है रेड कलर, और लास्ट जो कलर है वो है गोल्ड का। ठीक है, जो मैं इसके अंदर कलर देख पा रहा हूँ, मुझे इसके अंदर जो कलर नजर आ रहे हैं मैं उस कलर की बात कर रहा हूँ। तो पहला कलर जो बैंड है वो किस चीज़ का है, ब्राउन कलर है। ठीक है, दूसरा कलर जो हमारे पास है वो है ब्लैक, थर्ड जो कलर बैंड हमारे पास है वो है रेड, और फोर्थ वाला जो कलर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, गोल्ड का। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू अपने स्टेबल के अकॉर्डिंग बता सकते हो। ब्राउन के लिए कितना यूज करते हो, 1, ब्लैक के लिए कितना यूज करते हो, 0, रेड के लिए कितना यूज करते हो, थर्ड स्ट्रिप से तो मल्टीप्लायर यूज करना है, गोल्ड के लिए कितना है 5%। बहुत ही आसान चीज है, कितना लिखा, 10 × 10^2 ±5%।
ठीक है, और इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितना बना 1000 प्लस माइनस 5%। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू हमारे पास है, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई है इसके अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस जो कॉमर्शियल यूज करते हैं वो कितने टाइप के हमारे पास है, टू टाइप्स के हैं। वन इज वायर बाउंड और सेकेंड हमारे पास कौन सा होता है, कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉमर्शियल यूज में होने वाले। और कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं वही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितने भी अपने अप्लायंस होते हैं उनके अंदर, सभी के अंदर यही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, स्पेस जो लेता है वो भी कम स्पेस लेता है, जिसकी वजह से ये इजीली यूज हो जाता है, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, कम स्पेस के अंदर ज़्यादा वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। अब आप इसका स्पेस देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो मैंने आपको स्पेस दिखाई इतना छोटा सा है, वैल्यू कितनी है, 1000 ओम। ठीक है, तो ऐसे रेजिस्टेंस बहुत सारे होते हैं जो उसके स्पेस कम होता है, और वैल्यू क्या होती है हमारे पास, मिलियंस के अंदर भी वैल्यू होती है। तो ये था हमारे पास कलर कोडिंग से रिलेटेड। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। लेकिन एक सेंटेंस आपको इसके अंदर याद रखना होगा, वो अगर सेंटेंस याद है तो आप उसकी वैल्यू को, इसकी रजिस्टेंस को इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।